जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:36 और मार्केट काफ़ी ऊपर गया था। निफ्टी 508 का फ्यूचर में हाई बना दिया था और बैंक निफ्टी ने फ्यूचर में 289 का हाई बना दिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ही है। लेकिन मैं आज पार्टिसिपेट करने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट जब तक मुझे परफेक्टली ओके नहीं लगे। हालांकि मैंने आप सुबह आपको बता दिया बाई वाला मार्केट है, बट स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रिक्टली रखना चाहिए इसमें, 10,400 के नीचे की एनी क्लोजिंग स्पॉट में। और मैंने अभी एक एजुकेशनल पर्पस के लिए कॉल दिया, वो आपको दिखा देता हूँ। फॉर टुडे ओनली कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, ये 10 मिनट हो गए इसको दिए हुए, 2928 पे दिया है और बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है 2921 का, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस में, ओनली 7 रुपीज़ का, और टारगेट बहुत बड़ा है 3,000। लेकिन ये आप स्टॉप लॉस जो आदमी स्ट्रिक्टली रख सके और इतना लॉस बर्दाश्त कर सके वही आदमी करिएगा, वरना मत करिए। और ये प्योरली स्टडी पर्पज़ के लिए, तो आप पेपर ट्रेड इसमें कर सकते हो। तो मुझे लगता है आज ये हाई तोड़ेगा, तो अभी वही रेट चल रही है 2930, तो अभी भी 9 रुपये के रिस्क है, लेकिन बड़ा टारगेट भी है, तो लेट अस सी क्या होता है। बाकी आज कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट, जब तक मुझे क्लियर कट समझ में नहीं आएगा तब तक मैं कुछ आप लोग को बताने वाला नहीं है। अभी बस एक यही समझ में आया तो आप लोग को बता दिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।